हम लोग के सरकार में जो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन लॉन्च किए और उसमें कुछ मेन स्ट्रीम पार्टीज ने कांग्रेस से फैसला किया था हमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा इस बात पर विश्वास करती है कि हमें डेवलपमेंट प्रोसेस से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए और आम आदमी तक सत्ता तभी पहुँचेगी चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हों या पंचायत के चुनाव हों। जब तक हम आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसलिए हमारी हाईकमांड ने फैसला किया कि हम इसमें हिस्सा लेंगे। इस समय हम आर एस पुरा में हैं और आर एस पुरा जो म्युनिसिपल कमेटी है काउंसिल है उसमें 13 वार्ड हैं और कांग्रेस 13 के 13 वार्ड पर अपने कैंडिडेट काम से उतारे हैं। इस उम्मीद से हमें पूरा विश्वास है कि जो हर वर्षों से जो बीजेपी ने यहाँ लोगों के काम को नकारा, उन्होंने काम नहीं किया, विकास नहीं हुआ, झूठे वायदे किए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कामयाब होंगे, सफल होंगे। इस समय मैंने जो मैंडेट फॉर्म हमने दिए हैं यहाँ के जो दोनों हमारे सीनियर लीडर्स हैं आर एस पुरा के, मैडम सुमन भगत जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं और भगत चारू राम जी जो हमारे फॉर्मर MLA हैं, इनकी प्रेजेंस में जो कांग्रेस हाईकमांड का हुक्म हुआ उसके मुताबिक हमने 13 के 13 उम्मीदवारों को फार्म दिए हैं और उनसे ये कहा गया है कि आप इन फॉर्म को दाखिल करें, आज पर्चे दाखिल करें, कैंपेन में उतरें, प्रचार करें और अपनी पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश करें।